स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद निरसा में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर के कमेटी के सभी सदस्यों ने की बैठक। इसी कड़ी में आज निरसा जगन्नाथ मंदिर कमेटी के सचिव मनजीत सिंह के नेतृत्व में 12वीं रथ यात्रा को बहुत ही भव्य रूप से निकाले जाने को लेकर आपसी सहमति बनी, जिसके बाद इस वर्ष पहली बार एक साथ रथ यात्रा के 3 दिन रथों को बहुत ही भव्य रूप से सजाकर महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में ले जाने की बात कही गई, जिसको लेकर निरसा के नया डंगा कली मंदिर परिसर में 3 अलग अलग रथों को बनाने और सजाने का कार्य आज पूरे ही विधि विधान से पूजा पाठ कर नारियल फोड़ कर आज कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सचिव मनजीत सिंह के तथा तमाम मंदिर कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे। मौके पर सचिव मनजीत सिंह ने कहा कि 3 अलग अलग रथों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो निरसा में पहली बार होगा और भव्य होगा। धन्यवाद संवाददाता मधु गौराई की रिपोर्ट। अयोध्या वासी बालक दास और यहाँ चंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ है, और जिसमें कि काशी मथुरा वृंदावन से अनेक संत महात्माओं के आगमन है, और हमारे किन्नर अखाड़े के माँ भवानी गायत्री जी, इनके साथ में जितने लोग हैं सभी लोग आज उतरे और इनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ। और इस यज्ञ में रासलीला रामलीला प्रवचन का कार्यक्रम सब निर्धारित है, और बहुत ही सौभाग्य का बात है कि हम लोगों के इस यज्ञ में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और इस यज्ञ को इस शोभा बढ़ाए, और मैथनवासी और ये पार्वती देवी हम सभी इनके आभारी हैं कि जो कि हमारे यज्ञ को आकर इन्होंने शोभा बढ़ाई। रथ यात्रा हुआ था ना, उसके बाद 10वां रथ यात्रा में हम लोग 3 रथ का ही अनाउंस किए थे कि 10वां रथ 3 रथ में निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते कुछ डिस्टर्ब हुआ। 2 साल हम लोग कार में ही रथ बनाकर निकले थे, लेकिन इस बार मैंने जगन्नाथ प्रभु की बहुत मैंने कृपा हुई है कि कोरोना भी देश से चला गया है, और उनकी कृपा से ही हम लोग फिर 2 चेचिस लेके आए हैं, फिर उसका लोहा लेके आए हैं। इस बार हम लोग जगन्नाथ प्रभु की कृपा से और निरसा वासियों की कृपा से ये 3 रथ हम लोग बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक निकालेंगे, ये हमको पूरी आशा है। हम लोग पूरा तन मन धन से सारे भक्त लगे हुए जगन्नाथ प्रभु के, और आज बहुत खुशी है। देखिए आज इतना आदमी मैंने खुशी से एकदम ही हो रहा, आज से ही हम लोग का रथ यात्रा चालू हो गया है। जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरिगिरि महाराज जो ये मेरी महामंडलेश्वर गायत्री नंदगिरी और ये कलकत्ता से महामंडलेश्वर हैं, और इनके पास 3 पीठ है, तारा पीठ है और तुम्हारा कामाख्या पीठ है, गंगा सागर पर 3 साल जो भी है नौका वो वहाँ का ये देखते हैं। और हमारे साथ दिल्ली से तारा पीठ और क्या बोली, गंगा सागर या तो आप लाइव लीजिए। अभी हमारे पूर्ण नंदगिरी महाराज जी हैं और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। देखिए मेरी जो गायत्री है शिष्य है उन्हों के साथ हमारी परमिला हमारी सेविका है, और अच्छा इन्हों के साथ योगदान रहा, धर्म के बीच में रहती हैं। और यहाँ पे 2015 में एक कंपनी की वजह से कॉलोनी को तोड़ दिया गया था, यहाँ पर माता जी का मंदिर भी था, और ये 2000 कोरोना से पहले इन लोगों को करना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं कर पाए।